मजे में ले लिए। मुसलमान बरादरी के बीच में जाके वहाँ पर कहते हैं कि हमने ऐसी पार्टी ज्वाइन करनी है, हमें फारूक साहब ने बोला कि आप जीत जाओगे हम आपको मिनिस्टर ले लेंगे। तो अगर मिनिस्टर फारूक साहब उनको लेते तो हम लोग बेवकूफ बैठे तो झंडे लगा कर चल रहे, जो फारूक साहब ने हमें नंगे किया हम लोग बेवकूफ है जो घूम रहे हैं। ये इनको ऐसी सत्ता में बात मिलेगी लेकिन आप लोगों को घुमरा नहीं होगा। तो लोगों का अब बड़ा परेशानी हो रही है लोगों की समस्याओं से कि अब हम मसीहे हैं और हम ही हल कर सकते हैं और सारे वोटर हमारे हैं। उन लोगों से जरा पूछिए कि आपका अपना स्टैंड क्या है, आपका अपना ईमान क्या है। हर जगह गए, सबसे पहले प्रायोरिटी पे रखा भाजपा पार्टी, एक लिस्ट बनाई, उसमें 40-45 बंदों के नाम लिखे, गए अशोक कोल के पास। हमारे पास कैंडिडेट है ठाकुर कम्युनिटी से, बनी में ठाकुर कम्युनिटी डिजर्व करती है भाजपा की सीट, जीवन लाल जी डिजर्व नहीं करते, उनको बाहर निकालो और राजपूतों को बनी की सीट तो भाजपा की पार्टी से। उन्होंने कहा ज्वाइन करने का एक तरीका होता है, पार्टी की एक नीति होती है, आप आओ जीवन लाल जी के थ्रू आओ और पार्टी ज्वाइन करो, काम करो, देखेंगे आपको टिकट देंगे। मना कर गए, वहां से मुंह तोड़ जवाब मिला। उसके बाद कांग्रेस में कोशिश की, कांग्रेस पार्टी से जब जवाब मिला उसके बाद आजाद साहब की पार्टी से कोशिश की, जब वहां से जवाब मिला और जब तक अलायंस का कुछ सामने ओपन नहीं हुआ था कि अलायंस होगा एनसी और कांग्रेस का, उसके बाद एनसी में जाने की कोशिश की कि हम लोगों से बड़ा मसीहा मुसलमान बरादरी का कोई नहीं है, एनसी के भक्त जितने हम लोग हैं उतना बड़ा भक्त कोई नहीं है एनसी का। ये इन लोगों की गंदी सियासत आप लोगों को समझनी पड़ेगी। हमारे अपने वो बुराई करने का मैं अपनी बहादुरी नहीं समझती, लेकिन जिस तरह से समाज में ये लोग दरार पैदा कर रहे हैं, भाजपा से बड़े गुंडे तो आज ये लोग निकल रहे हैं जो लोगों के बीच में दरार पैदा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि हमको राजपूतों को इकट्ठा करना है, हमें किसी और की जरूरत नहीं है। क्या सिर्फ राजपूत वोट देगा, बाकी कौमें नहीं वोट देंगी? मुसलमान, दलित, हमारे जो बाकी कौमें हैं, गुज्जर है, बकरवाल है, हमारे यहाँ पर ब्राह्मण बरादरी है, गद्दी बरादरी है, क्या वो वोट नहीं देती? अगर जीवन लाल जी के ऊपर अगर ये आरोप लगाते हैं कि ये लोग सिर्फ गद्दी कम्युनिटी के फेवर में काम करते हैं तो ये लोग खुद क्या कर रहे हैं? ये अपने अंदर क्यों नहीं झांक रहे कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कौन से दूसरी सियासत अच्छी कर रहे हो कि हम लोगों को जोड़ने का काम करें या लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें या अच्छी एक नीति के साथ काम करें ताकि हम भाजपा को हरा सके। इस बार इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें मिली कि हमारा अलायंस हुआ, कांग्रेस और एनसी का वोट एक हो गया, आराम से हमने सीट निकालनी थी लेकिन अपने लोगों के ये दुश्मन फिर से बीच में किला तैयार कर दिया और अपने लोगों के दुश्मन बन गए और अब लोगों को गुमराह कर रहे हैं। राजपूतों में जाते हैं तो कहते हैं हमने जीवन को हटाना है और बीजेपी की सीट जो है हमने अपने कब्जे में लेनी है। मुसलमान बरादरी के बीच में जाते हैं वहां पर कहते हैं कि हमने एनसी पार्टी ज्वाइन करनी है, हमें फारूक साहब ने बोला कि आप जीत जाओगे हम आपको मिनिस्टर ले लेंगे। तो अगर मिनिस्टर फारूक साहब उनको लेते तो हम लोग बेवकूफ बैठे हैं जो झंडे लगाकर चल रहे हैं, जो फारूक साहब ने हमें मैंडेट दिया हम लोग बेवकूफ हैं जो घूम रहे हैं। ये इनको क्लियरिटी वक्त आने पर मिलेगी लेकिन आप लोगों को गुमराह नहीं होना है।